खुश आमदेद कहते हैं आपको। दूसरे राउंड में मरहबा या मुस्तफा सीजन 12 नातिया मुकाबला जारी है। यकुम रबी अव्वल से रोजाना आप देख रहे हैं ARYQ TV पर शाम 7 बजे। अरसलान इकबाल हमारे इस दूसरे राउंड के पहले कंटेस्टेंट्स हैं। वाह कैंट से आप आए हैं, आइएगा, कलाम सुनेंगे, वहीं से फिर जहां से कलाम रुकेगा वहीं से इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, उसको मुकम्मल करेंगे, फिर जज साहब बताएंगे कि कैसा निभाया। सुनिए और मुकम्मल कीजिए। मेरे दिल में याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना, ताजदार हरम के करम से, ताजदार हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, इसमें रहते हैं शाह दो आलम, इसमें रहते हैं शाह दो आलम, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, दिल मेरा बन गया है मदीना, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, दिल मेरा बन गया है मदीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। शुक्रिया जनाब। सलमान साहब बताएगा एक तरह की वो स्केल निभाया नहीं, और फिर बतौर मजमू कलाम कैसा पढ़ा था? हमने खुर्शीद साहब से बहुत सुना हुआ है कलाम। जी माशाल्लाह इन्होंने अच्छा पढ़ा और अंतरा भी अच्छा कहा। जब वापसी हुई है तो थोड़ा सा आगे पीछे मुझे लगा, लेकिन बहुत अच्छी कोशिश, शाबाश। कारी साहब आप माशाल्लाह, कोशिश तो इन्होंने अच्छी की और जैसे खुर्शीद भाई ने तो हर कमाल ही पढ़ा है, और इन्होंने भी अच्छी कोशिश की है पढ़ने की, अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह माशाल्लाह। सर अल्लाह पाक अलहाज खुर्शीद अहमद रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन आमीन। और इन्होंने जहाँ से उन्होंने छोड़ा है वहाँ से इन्होंने उसी स्केल को निभाया है। सही। अब जाहिर है वो उस्ताद थे ये अभी नहीं, अच्छी कोशिश की, अच्छी कोशिश थी, लेकिन बहुत खूबसूरत पढ़ा, बहुत खूबसूरत, अच्छा पढ़ा है। शुक्रिया, बहुत अच्छा। आइएगा हाफिज साहब, आइएगा हाफिज अनीसुर रहमान साहब, सुनिए कलाम और मुकम्मल कीजिए। नूर की नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुई नूर फैला हुआ आज की रात है। क्या बात। हाँ जी सिद्दीक साहब मुझसे तो बहुत अच्छा पढ़ा है मैंने नहीं मैं हकीकत बता रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत खूबसूरत पढ़ा। अल्लाह ताला इनको जजाए खैर अता फरमाए, उसी स्केल को इन्होंने निभाया। और क्या शेर है
कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। अल्लाह आपको जजाए खैर अता फरमाए। बहुत अच्छी तरह निभाया आपने माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा पढ़ा। जैसे सिद्दीक भाई ने तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से पढ़ा, आपने भी उसको बड़ा खूबसूरत निभाया माशाल्लाह। बहुत अच्छा पढ़ा आपने और बड़े अच्छे तरीके से उसको पढ़ा है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगा। सलमान भाई जी माशाल्लाह अनीस, पहले राउंड से बहुत बेहतर कारकर्दगी, और आपने देखा कि स्केल नीचे रख के आपकी आवाज़ चेंज हो गई बस सॉफ्टनेस से, कितना मजा आया। बहुत अच्छे, शुक्रिया जनाब। तो अब बुलाते हैं हम अपने आज के आखिरी कंटेस्टेंट को, जो के हैं कराची से जनाब सरफराज अशरफ। आपने पहले लॉन्मेंट की कारकर्दगी देखी है, अब देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। कलाम सुनिए और मुकम्मल कीजिए सरफराज साहब। इधर भी कोई कब्रे रहमत का चींटा, इधर भी नजर बे सहारों के वाले, इधर भी कोई अबरे रहमत का छींटा, इधर भी नजर बे सहारों के वाले, इधर भी कोई अबरे रहमत का छींटा, हमें फिर अता हो जलाले अबूज़र, हमें फिर अता हो जलाले अबूज़र, हमें फिर इनायत अता हो शाने बिलाली, चमक दे रहे तेरे गुंबद के जलवे, सलामत रहे तेरे रोजे के जारी, सलामत रहे तेरे रोजे की जारी। सलमान फिर आप तो बताएं। जी बिल्कुल, स्केल पकड़ा लेकिन बेस में कमी थी, थोड़ा सुर घट गया। अच्छा हाँ, लेकिन बहुत अच्छी एफर्ट है इन्होंने, वो कानों के पके हैं। हाँ माशाल्लाह ठीक है, लेकिन आपने गलती की। क्या शेर था वो? हाँ वो दूसरी लाइन पे ना अंतरे की है? हमें फिर अता हो जला ले अबू ज़र, हमें फिर इनायत खुशाने बिलाली। इस टाइम में इस तरह कहना था आपने, ऊपर ही कह दिया इसको भी, वो इनायत हो रहा था। हाँ, वो सारा इकट्ठा हो गया। बहरहाल कोई बात नहीं, अच्छी एफर्ट आपने, सुर जो पकड़ा वो ठीक, तासुर अच्छा कायम रखा बतौर मजमूई। 50-50। अच्छा 50-50। अपना कलाम है तो ज्यादा हसास है इसलिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जनाब कारी साहब आपकी भी हसासियत का दर्जा उतना ही है या नहीं? कुछ हल्का आता है ऐसे? कोशिश अच्छी की है, सही है। और माशाल्लाह इनकी आवाज तो बड़ी इसमें और इतना बेअसर है, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा निभाया, मेरे लिहाज से तो अच्छा निभाया माशाल्लाह। और जरा एक मुख्तलिफ सतह का भी इम्तिहान था ना इनके लिए, जो कि आमतौर पे वो ऊपर जाकर पकड़ना होता है यहाँ पे। लेकिन अच्छा, मुझे अच्छा लगा इनका पढ़ना माशाल्लाह। सदीक भाई बात ये है कि ये सलमान साहब अगर निचले सुरों से भी पढ़े ना, हाँ तो इनकी आवाज में भरेपन इतना है बेस। हाँ
और ये जो है बच्चे ये बहुत ऊंचे लेवल पर पढ़ने वाले हैं, सही, इनका अंतरा बहुत ऊंचा जा सकता है, लेकिन स्केल को बरकरार रखने के लिए इन्होंने उसी लेवल पे इसको पढ़ा है, इसलिए ये बिल्कुल फिट पड़ा। मुश्किल पर्चा था ये, मुश्किल पर्चा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। देखते हैं अब नतीजा होता है। एक वक्फे के बाद वापस आएंगे तो पहले आपको दिखाएंगे कि आप लोगों ने तीनों के जो क्लिप्स देखे उसकी बुनियाद पर आप लोगों ने किसको कितने नंबर दिए, और आज की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जज साहब ने किसको कितने नंबर दिए, और इनके सारे नंबर हम मिलाते हैं फिर हतमी नतीजे का भी ऐलान करते हैं वक्फे के बाद। जनाब, नतीजा मुरतब समझिए बस हो गया है, लेकिन इससे पहले कि नतीज अनाउंस किए जाएं मैं गुजारिश करूंगा जनाब सलमान कौनैन साहब से हमें कुछ अशार किसी एक कलाम के सुना दीजिए। जब सामने नजरों के दरबार नबी होगा, जब सामने नजरों के दरबार नबी होगा, क्या आलम मस्ती में सरशार नबी होगा। सुनते हैं कि महशर में दीदार नबी होगा। सुनते हैं कि महशर रुखसार नबी होगा, अल्लाह भी शैदा है रुखसार नबी होगा। उसी में शेर सुनिएगा, बताओ ले जाओ इसे शाहे कौनैन के कूचे में, हाय हाय, ले जाओ इसे नाम सीहा से बीमार नबी होगा, अच्छा नाम सीहा से बीमार नबी होगा। वाह वाह, रहमत के इवज बेचूंगा जिन, क्या बात है, वाह 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 वाह, गुनाहों की, हाय हाय, क्या कहने भाई, मौला ये गुनाह ले ले और इतनी रहमत मुझे दे दे, मुझे बख्श दे। रहमत के इवज बेचूंगा जिस गुनाहों की, हाँ,
महशर जिसे कहते हैं बाजार नबी हो अल्लाह अल्लाह जिसे कहते हैं हाय हाय बाजार नबी हो सुभान अल्लाह क्या क्या हाफिज मजरुद्दीन मजर अपने मक्ते में लिखते हैं कि जब काफिले मस्तों के पहुंचेंगे मदीने में आए हाय या रसूल अल्लाह जब काफिले मस्तों के पहुंचेंगे मदीने में मजहर भी खड़ा जेरे दीवार नबी हो क्या कहने मजहर भी खड़ा जेरे दीवार नबी हो क्या कहने सुभान अल्लाह भी खड़ा जेरे दीवार नबी होगा जब सामने नजरों के सुभान अल्लाह क्या कहने सुभान अल्लाह क्या कहने सुभान अल्लाह वाह वाह सलामत माशाल्लाह जनाब क्या खूबसूरत कलाम क्या खूबसूरत अंदाज माशाल्लाह